जैसा आप सभी को मालूम होगा, दीपावली का पर्व नजदीक है, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी ग्रेटर नोएडा के सौंदर्यकरण में जुट गया है। हम हैं मौजूद यहाँ नवादा गोल चक्कर के पास। यहाँ पर सेंसर मशीन द्वारा, विश्व स्तरीय तकनीक द्वारा यहाँ सड़कों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सौंदर्यकरण सेंसर मशीन द्वारा किया जा रहा है, जो विश्व स्तरीय तकनीक है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी भी मौजूद हैं और अधिकारी भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है, ग्रेटर नोएडा के ही निवासी हैं और एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य हैं, हरेंद्र भाटी जी। इनसे बात करेंगे कि ग्रेटर नोएडा में क्या काम चल रहा है दीपावली को लेकर। अपने अल्फा गोल चक्कर से होती हुई जो नया प्राधिकरण है उसके लिए जाती है, और यहाँ पे जो रोड बनाया जा रहा है बिल्कुल ये सेंसर की मशीन और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के द्वारा बनाया जा रहा है। कल भी सीओ साहब खुद आए थे यहाँ पे चेक करने के लिए और देख करके गए थे, और बोला उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीका से कार्य हो रहा है। इसी तरीका से मैं ये कहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा में अब की बार जो सड़कें बन रही हैं शायद मुझे ऐसा लग रहा कभी नहीं बनी। जिस तरीका से बढ़िया जो काम हो रहा है, इस तरीका से कभी सड़कों का काम नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतने सक्रिय अधिकारी रहते हैं, जो है सीओ साहब हो या यहाँ के मैनेजर हो या सहायक प्रबंधक जो भी हो, वो सभी सक्रिय रहते हैं और साइड पे हमेशा देखते रहते हैं कि गलत तरीका से तो कार्य नहीं हो रहा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन भी यहाँ पे अधिकारी खड़े हुए हैं सभी आकर के, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इतनी जागरूकता आई है और इतने बढ़िया रोड बन रहे हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। और ग्रेटर नोएडा में जहाँ जहाँ पे भी सड़कें टूटी है वहाँ पे सभी पे सभी जगह रोड बनेंगे। अभी इस पर इसके बाद में एक बार और बनेगा, अभी दोबारा इसके बाद दोबारा और बनेगा एक बार। तो बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा मैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा है।